नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज़वन के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। खनिज विभाग की दबिश में 2 दर्जन अवैध परिवहन कर रहे रेत से लदे ट्रक को चालक छोड़ भागे। नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति पर प्रशासन का चला बुलडोजर। गलत रिजल्ट जारी किए जाने पर TRS के छात्रों ने की तालाबंदी। अब खबरें विस्तार से। खनिज विभाग की दबिश में वाहन छोड़कर भागे चालक, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक हनुमाना सीधी जिले के सीमा में खड़े हुए हैं। विगत सप्ताह किसान सम्मेलन में आए प्रदेश के मुखिया ने खनिज माफिया को जमीन में गाड़ देने की हुंकार भरी थी, जिसके बाद रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर आज सुबह खनिज विभाग द्वारा हनुमाना सीधी बॉर्डर पिपराही में अवैध परिवहन कर रहे वाहनों पर दबिश दी, जिसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सीधी से रेत लेकर हनुमाना की ओर आ रहे 2 दर्जन हाईवा चालकों ने वाहनों को लाग कर मौके से फरार हो गए। जिले में प्रतिदिन करीब सैकड़ा भर हाईवा अवैध रेत का परिवहन करते हैं, जिनकी बिक्री मोगन सहित उत्तर प्रदेश में की जाती है। पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रस्तुत है जिला खनिज अधिकारी RK दीक्षित एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। सर, आज खनिज विभाग की कार्रवाई हुई है, कई रेत के डंपर पकड़े गए हैं, किस तरीके? पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, IG महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या कार्रवाई हुई सर? वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। सर, ये ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, क्या है? ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे, सभी ट्रकों में अभिवन पास थे, अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब्त किया गया। सर, वो अवैध बालू थी कि कहीं से ला रहे थे? नहीं, उनके पास वैधानिक TP थी। बताया जा रहा है कि ट्रक के जो मालिक हैं, मतलब ड्राइवर हैं, वो भी भाग गए ट्रक छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं है। 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है जो कि भार क्षमता से अधिक परिवहन कर रही थी। सिर्फ ओवरलोडिंग में पकड़ी गई गाड़ियाँ? हाँ, सभी गाड़ियों के पास टीपियाँ थीं। टीपियों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उनके द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा था, इस वजह से उनको जब्त किया गया। खनिज विभाग के द्वारा कर्म से मांग की गई थी कि कुछ बल प्रदान किया जाए, मैंने उनको बल प्रदान किया और पुलिस में थाना हनुमाना के में पदस्थ उप निरीक्षक गौरव नेवा के नेतृत्व में पूरी हमारी पुलिस टीम ने खनिज विभाग को साथ लेकर कार्रवाई की। चूँकि रेत की कार्रवाई थी, रेत की कार्रवाई में खनिज विभाग की उपस्थिति अनिवार्य है, इस कारण से उनकी उपस्थिति में 8 डंपर पकड़े गए हैं। ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई और भी लगातार कार्रवाइयाँ खनिज विभाग के साथ मिलकर जारी रहेंगी। अब ये खनिज विभाग इसको बेहतर बता पाएगा, क्योंकि अग्रिम कार्रवाई खनिज विभाग को करनी, पुलिस को। नशे के कारोबारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर नशे के कारोबारियों एवं अपराधियों पर नकेल कसने, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर प्रशासन द्वारा वक्र दृष्टि डालते हुए शहर में पहली कार्रवाई करते हुए पीली कोठी गेट पर शुरू हुई, जहाँ पर नशे के कारोबारी इरशाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवा दिया गया एवं धरसाई कर दिया गया। आपको बता दें कि इरशाद की माँ एवं KK द्वारा भी अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है, जो पुलिस एवं प्रशासन की नज़र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इरशाद खान के खिलाफ विभिन्न थानों में 47 मामले दर्ज हैं, वहीं इरशाद को इन्हीं मामलों में सलाखों के पीछे किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन सख्त रहा, वहीं कुछ लोग माननीयों को फोन लगाते नजर आए। इस कार्रवाई में तहसीलदार RP त्रिपाठी, तहसीलदार यतीश शुक्ला, CSP सच्चिदानंद प्रसाद, नगर निगम दस्तक प्रभारी रावेंद्र शुक्ल अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी से SDM परीन खान एवं एडिशनल SP सुकुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार।
ये जो भूमाफियाओं के विरुद्ध शासन की कार्रवाई चल रही है उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। आज मोहम्मद इरशाद हैं जिनके नाम पे 47 केसेस थे, उनकी यहाँ पर एक शॉप संचालित हो रही थी जिसमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, रास्ता अवरुद्ध किया गया है, उसको लेकर के उनके विरुद्ध आज कार्रवाई की जा रही है। और उनसे लगे हुए घर जिन्होंने अपना मकान आगे बढ़ाकर बना लिया था जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, उनका मकान भी आज या रास्ता जो अवरुद्ध है उसको खाली कराया जा रहा है। हाँ जी, जिसमें ये उनके जो द्वारा की गई संपत्ति को हटाने के लिए। जी क्या उसी का अंतर्गत? हाँ हाँ, ये उसी के अनुक्रम में है। इसके पहले भी इनके खिलाफ 47 अपराध हैं जिसमें कोरेक्स नशा के भी कई अपराध हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी लोगों को टारगेट करके हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू। हाँ, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुहिम चलाई जा रही पूरे प्रदेश में, उसी के तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास से ये जानकारी निकाली गई थी यहाँ ज़िले में कि कौन कौन से ऐसे बदमाश हैं। हमारे थाना प्रभारी अमैया ने एक बदमाश के खिलाफ ये जानकारी निकाल के दी थी जिसमें इरशाद नाम का बदमाश है जिसके ऊपर हर तरह के करीब 47 अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी भी वो जेल में है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बदमाशी कर रहा था, उसी क्रम में उसने एक इस तरह की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था और उस पर एक दुकान का निर्माण कर लिया था और उसको किसी व्यापारी को 2,00,000 रुपये पगड़ी लेकर उसको 12,000 रुपये पर किराए पर चला रहा था। और उस जब ये बात सामने आई कि इसने इस तरह से एक अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, निर्माण कर लिया है और उसको व्यावसायिक उपयोग में कर रहा है एक बदमाश, तो उस पर रेवेन्यू से इसकी जानकारी ली गई। नगर निगम से सारी जानकारी लेने के बाद ये निर्धारित हो गया कि ऐसा इसका अवैध रूप से इसने कब्जा कर रखा है और उसकी माँ ने भी इस संबंध में आवेदन दिया था साहब कि हमारे उसमें खाली कराने के लिए बार बार बोला जा रहा है, तो ऐसा जानकारी में आ रहा है कि उसको एक वर्ष के लिए अस्थायी पट्टा दिया गया था और उस पट्टे पर उसने कुछ अभी जानकारी लग रही है कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा करे, कुछ और उसमें एडिटिंग वगैरह कर रखी है, उसके अलग से जाँच चल रही है और उस अवैध अतिक्रमण को आज राजस्व विभाग के साथ नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम के साथ उसको गिराने का कार्य चालू है अभी। चोरी की घटनाओं से पीड़ित ग्रामीणों ने कर दिया चक्का जाम। उक्त घटना चौराटा थाना क्षेत्र के टिकिया गांव की, जहां पर विगत रात्रि हथियारबंद 3 बदमाश चोरी की नीयत से एक घर में घुसे जिनकी हार पा ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया जबकि 2 अन्य भागने में सफल रहे। इन्हीं दोनों फरार बदमाशों को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चौराटा थाना क्षेत्र के टिकिया गांव में चक्का जाम कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने चौराटा थाना पुलिस पर अवैध शराब को बिकवाने का भी आरोप लगाया और यह भी कहा कि उक्त चोर लंबे समय से गांव में चोरी को अंजाम दे रहे हैं। प्रस्तुत है पीड़ित सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। टिकिया के रहने वाले हैं, हमारा केस कली नाम है दाहिया, हमारे मनसरुआ ड्यूटी में रहा है, एमपीपी में नौकर है, हमारा लड़का हम रहन है 2 बजे रात हमारे अंदर घुसे, हमारा लड़का हम बाहर सोबत्ता है, लड़का हम अंदर सोबत्ता है, हमारे लड़का का कट्टा दताए रहे हैं तो वह एक थे चोर जब पकड़ डारी समा लड़का जब हम गोहर मारे इस कैमरा ढोस के भीतर गए तो हमारे लड़का का जब पकड़े रहे हैं तो वह चोर एक थे निकल गए, वह कैसे एक थे का लड़का एक थे के पकड़ डाले तो जब पकड़ डारे तो हम फिर गांव का गोहर मारे फिर वह का बाप आबा फिर हमका कढ़ेल रोड भर ले आबा हमको महतारी पूत का कट्टा दताए दताए फिर गाँव के पब्लिक का घोर आन तो गाँव के पब्लिक ठाड़े ठाड़े निहारत ही सगला गांव हमारे चोरे का श्री कुलदीप श्रीवास्तव गोलू सकेत और का हम नहीं देखे पान कोहू का। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते कि हमार ने दबावे कि श्री क्री वो गिरफ्तार हो हमार जान बचावे वो हमका कट्टा दिखावा था हमारे लड़कन का मस्त यहाँ हम अब 1 घंटा हो गया बैठे अबे तो अभी तक नहीं आई पुलिस पुलिस बार बार पुलिस छोड़ देती है हमको रिपोर्ट हुई है क्या किस प्रकार यहाँ पे रात को रात 2 बजे कुलदीप श्रीवास्तव और गोलू नाम के लड़के आए और इनके घर में जो चोरी किए
और इनको कट्टा और ये धारदार हथियार लेके आए थे, इनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, मुंह दाबे थे। इसके बाद आसपास को ये गुहा दी लेकिन कोई नहीं गया। फिर हम लोगों को फ़ोन किया तो हम लोग रात को 2 बजे आए और पकड़े चोर को। फिर इसके अलावा भी ये 10 बार पकड़ चुका है पुलिस, चौराहटा पुलिस हर बार छोड़ देती है पैसा लेके। ये इसके पिताजी ज़मीन बेचे हुए हैं और हर बार मतलब थाना नहीं जाने पाते, इसके पहले ही पुलिस वाले छोड़ देते हैं। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? कुलदीप श्रीवास्तव यहीं बगल के हैं और ये काफ़ी यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे मैं टुल्लू लगाया था, इसको चोरी करके ले गया। इसके अलावा हमारे घर से बाइक लाया था, उसको भी चोरी करके ले गया और हमको पैरा में मिली है बाइक। ये यहाँ पे आतंक का पर्याय बना हुआ है और यहाँ पे आसपास लोगों को मारता पीटता है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं? ये सिर्फ चोरी करता है, दिन को सोता है और रात को चोरी करता है। कब से आप लोग यहाँ धरने में बैठे हुए? ये अभी 1 घंटे हो गए हैं, अभी नहीं आई है। पुलिस को ये पैसा खिलाता है और बार बार मतलब पुलिस इसको पिताजी जाते हैं इसको और आधा घंटे के अंदर पुलिस छोड़ देती है। 10,000-20,000 मुहमा का पैसा देते हैं ये। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, मेरी 15 दिन पहले यही लोग बाइक चुरा ले गए थे जो पैरे में मिली है। एक कल रात में एक दाहिया परिवार के द्वारा खबर की गई कि उनके यहाँ रात में कुछ 2 व्यक्ति घुसे थे, जिसमें से घर के लोग जाग गए तो और शोर हुआ तो एक व्यक्ति भाग गया, दूसरे व्यक्ति को घरवालों ने पकड़ लिया। वो लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी कर दी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंच गई मौके पे और उस परिवार की रिपोर्ट पर, जो दाहिया परिवार उसकी रिपोर्ट पर 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया चोरी का, 457-380 का। और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को मांग के लेकर लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, वो जैसी थाना प्रभारी की जानकारी में आया, थाना प्रभारी ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करा लिया है। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, पूछताछ की जा रही है और उस साकेत जो आरोपी था जिसके मारपीट की गई थी लोगों के द्वारा, उसके तरफ से भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। क्या पूर्व में भी क्या अपराध घटित कर चुके हैं इनके ऊपर कोई? हाँ, ये जानकारी लग रही है कि इनके भी पुराना भी कुछ रिकॉर्ड है, थाना प्रभारी इसकी ये भी छानबीन करके अवगत कराएंगे। गलत रिजल्ट जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए TRS कॉलेज के छात्रों ने की तालाबंदी और ठाकुर अहमद सिंह के छात्रों ने एक बार पुनः कॉलेज प्रबंधन का विरोध करते नजर आए। यह पूरा मामला कॉलेज के छात्रों द्वारा गलत तरीके से रिजल्ट जारी करने को लेकर बताया गया। उन्होंने बताया कि पिछले सेमेस्टर के आधार पर इस सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया था, ऐसा कहना है कि कॉलेज प्रशासन का, लेकिन छात्रों का आरोप है कि पिछले सेमेस्टर में जो छात्र टॉपर थे उन्हें भी फेल कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि तकरीबन 70% छात्रों को फेल कर दिया गया, जबकि CM ने जनरल प्रमोशन की बात की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा 2,500 रुपये के अतिरिक्त 550 रुपये जनरल प्रमोशन की फीस भी जमा कराई गई, उसके बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया। जिसके बाद छात्रों ने कार्रवाई की मांग को लेकर TRS कॉलेज से एक रैली निकाल AD कार्यालय पहुंच अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग पंकज श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने 23 तारीख को आ रहे शिक्षा मंत्री का घेराव करने की भी बात कही है। प्रस्तुत है एक झलक सहित छात्र नेता योगता सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार। जारी हुआ है उसके बाद सर मतलब परीक्षा परिणाम बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनके मांगों को लेकर हम प्रिंसिपल मैडम के पास गए, लेकिन वो हमको लिखित आश्वासन नहीं दे रही, उसी पर हमारा विरोध है। हम लोग बहुत बार मिले हैं लेकिन वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। अभी रिजल्ट किसका क्या आया आप लोग का? सर मैं पिछले सेमेस्टर का टॉपर था, इस बार मैं फेल हो गया हूँ 6 के 6 विषय में। और आपके जैसे कितने छात्र होंगे लगभग? हमारे BSc के प्रत्येक छात्र का रिजल्ट प्रभावित हुआ है और BA का, जिन्होंने प्रैक्टिकल जमा किया है उसका प्रत्येक छात्र का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। शासन द्वारा जनरल प्रमोशन की बात करी गई तो आप लोग को जनरल प्रमोशन? नहीं सर, किसी भी प्रकार से जनरल प्रमोशन हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। ये सब चीज़ें अपने प्रचार के समक्ष रखी आपने? प्रचार के समक्ष रखी लेकिन वो हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही लिखित आश्वासन देने को तैयार है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम मतलब 1 हफ्ते में मतलब समीक्षा करेंगे लेकिन हमको लिखित आश्वासन नहीं प्राप्त हो रहा है। जो प्रबंधन रिजल्ट जारी किया है उसमें लगभग 3,000 छात्र जनरल प्रमोशन के बाद भी फेल हो चुके हैं। छात्र काफ़ी असंतुष्ट हैं। ये छात्र संघ अध्यक्ष छात्र लोग लगातार मैडम से बात कर रहे हैं, प्राचार्य मैडम से, लेकिन उनका एक अपना एक अलग रवैया है, उसके कारण छात्र परेशान हैं। 3-4 दिन से अनवरत मांग चल रही है। 3,000 समथिंग छात्र जो जनरल प्रमोशन में पास हुए थे उन्होंने असाइनमेंट और टेस्ट दिया था, उसके बावजूद भी उनका कहना कि इस तरह का परिणाम आना बहुत गलत है
और यह मांग जो मैडम द्वारा जो नहीं सुनी जा रही उसको लेकर आईआईटी कार्यालय में मांगे रखी गई हैं। सभी छात्र चाहते हैं कि हमारा पुनः कॉपी चेक हो और जो इंटरनल की बेस में जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए उसको प्रमोशन दिया जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। और एडी सर ने बोला कि मैं कुछ देर से आ रहा हूँ, वही मांग को लेकर हम लोग खड़े हुए जी जी। हम लोग उस दिन सीएम का घेराव, उसके पहले हमने प्रिंसिपल मैम को दिया था, ज्ञापन दिया था कि बाकी जो भी बच्चे जिनको फेल किया गया है जो भी है, तो उन्होंने बोला था कि पिछले सेमेस्टर के आधार पर उन्होंने इस सेमेस्टर का रिजल्ट बनाया है। अगर इन्होंने पिछले सेमेस्टर के आधार पर ये वाला रिजल्ट बनाया है तो इस सेमेस्टर में जो पिछले सेमेस्टर में बच्चे पास हैं तो इस सेमेस्टर में क्यों फेल हुए, और उनसे 2500 के अलावा 550 रुपये ये जो जनरल प्रमोशन की शुल्क क्यों ली गई, जब बच्चों को पास नहीं किया गया तो ये शुल्क क्यों ली गई। कितने बच्चे फेल हुए? लगभग 70% बच्चे फेल हैं टीआरएस के। आज हम लोग प्रिंसिपल मैम से पिछली बार हमने कहा और आज भी हमने लिखित आश्वासन मांगा कि मैडम हमको दीजिए कि एक हफ्ते के अंदर जो भी आप बोल रही हैं जो बच्चों का पूरा चेकिंग सब कंप्लीट होके सबका रिजल्ट आ जाएगा, तो उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम लोग को वहां से उठ के ऊपर आना पड़ा। एडी साहब को ज्ञापन हम लोगों ने दिया, अभी एडी साहब आए नहीं हैं। ये जो छात्र आए थे अभी मांग करने, इन्होंने एडी कार्यालय का घेराव किया था। इसमें उनकी मुख्य मांगे ये है कि टीआरएस कॉलेज में जो मूल्यांकन किया गया है वो सही नहीं किया गया है, अधिकांश छात्रों अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो इसकी जांच कराई जाए और उनको सही जांच करा कर उत्तीर्ण किया जाए, ये उनकी मांग थी। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि अगर किसी छात्र के साथ या छात्रों के साथ अन्याय हुआ होगा तो उसकी हम जाँच कराएँगे और उसका निराकरण किया जाए। विगत एक सप्ताह पूर्व संजय गांधी चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और इस दौरान परिजनों के बुलाने पर पहुंचे कांग्रेसी नेता व निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा सहित उनके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज कर दी गई थी, जिसके बाद आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले को निष्पक्ष जाँच करा। अमैया थाना प्रभारी द्वारा द्वेषपूर्ण की गई इस कार्रवाई पर उन्हें हटाने की मांग को लेकर रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा। रीवा पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मृतक के परिजन भी वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात का समर्थन किया, साथ ही लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उपस्थित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जनता से अपील की कि अगर दुर्घटना एवं अन्य किसी घटना में किसी की मौत हो जाती तो पहले पोस्टमार्टम करना अति जरूरी है ताकि कोई भी साक्ष्य मिटे नहीं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं IG उमेश जोगा ने जांच का आश्वासन दिया। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार SP साहब मौजूद थे, आप CSP से करवा दीजिए, CSP से आप जांच कराइए, CSP से आप इसकी जांच कराइए। और सर ये मामला है 16 तारीख को एक आंचल विश्वकर्मा बच्ची है जिसका संजय गांधी अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन हुआ जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद शर्मा जी, KP दादा, ये उनके पैर पिताजी इनके घर आए, जिसमें उन्होंने इनसे मदद मांगी, ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनसे मदद मांगी गई और ये जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जिसमें इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इस तरह की का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रीवा में लचर हो चुकी है और फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इसमें डॉक्टर दोषी है जो बच्ची के अशरफ खान डॉक्टर है जो बिल्कुल दोषी पाया गया। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत ऑपरेशन के कारण बच्ची की डेथ हुई है, आंचल की डेथ हुई है, जिसका आप लोगों के प्रिंट मीडिया द्वारा ही ये सारी चीज़ें पेपर में भी छापी गई हैं। आप सभी और सारे वरिष्ठ अधिकारी सभी कोई इस मामले से बिल्कुल अवगत है, ये कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। जब ये मामला सही है तो आप लोगों के ऊपर FIR क्यों कर दी गई, फर्जी मुकदमा क्यों दायर कर दिया गया, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जिले में खुलेआम शराब की पैकारी हो रही, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा और ये सब मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें पुलिस के सह पर चल रही, इसको लेकर हम लोग बिल्कुल IG साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। PM रिपोर्ट जो है तो इसका विवरण पेपर पे दिया हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण
आंचल की मौत हुई है, मौत हुई है, कान की जगह ब्रेन ब्रेन का हुआ। FIR ये सहयोग करने गए थे भाई, उनके सहयोग जो हमें अभिभावक परेशान थे, आपके पास मदद मांगने आए, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ेगा। एक ऑपरेशन के दौरान एक हुई मृत्यु को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको लेकर मैया थाने में एक अपराध कायम हुआ था, उसी को लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे कि इनके खिलाफ गलत मामला कायम हुआ। मैं सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी मृत्यु होती है तो जितना बेहतर जितना जल्दी उस मामले में PM हो जाए, एविडेंस कलेक्शन और अपराधियों को दंड दिलाने में उतनी ही मदद मिलती है। और ये सिर्फ पुलिस का कर्तव्य नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति की चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु होती हो, चाहे हत्या हो, चाहे इलाज के दौरान हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे सामान्य मौत हो, कोई भी मौत हो, हर मौत में PM का बहुत महत्व होता है। और PM समय से होना चाहिए। अब PM समय से कराने में थाना प्रभारी को ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने समय से PM न होने में बाधा उत्पन्न की थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जिस पर यह मामला कायम हुआ था। चूँकि मौके पर इनका कहना है संबंधित पक्ष का कि CSP साहब मौजूद थे और इनकी इच्छा अनुसार CSP साहब को जांच दी गई है, तो जांच में जो तथ्य आया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें पोस्टमार्टम होना है या मेडिकल होना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी करना है करें, लेकिन PM और मेडिकल समय से होने देना चाहिए ताकि सही तरीके से एविडेंस पता चले और पीड़ित व्यक्ति की अधिक से अधिक मदद मिले। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें। खनिज विभाग की दबिश में 2 दर्जन अवैध परिवहन कर रहे रेत से लदे ट्रक को चालक छोड़ भागे। नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति पर प्रशासन का चला बुलडोजर। गलत रिजल्ट जारी किए जाने पर TRS के छात्रों ने की तालाबंदी। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।